वर्ड पावर लेसन 3 द हिम ऑफ लव के सेगमेंट में आपका स्वागत है। मैं मुन्ना सर छपरा से आज के इस कंटेंट में हम लोग द हिम ऑफ लव पर चर्चा करेंगे। यह कंटेंट मोहब्बत व प्रेम पर आधारित है। लेसन 2 में मैंने द हिम ऑफ हेट के ऊपर चर्चा की थी। आज के इस कंटेंट का पहला शब्द आपके बीच में लवर ऑफ बुक्स, पुस्तक प्रेमी को बिब्लियोफाइल कहा जाता है। लवर ऑफ वर्ड्स, शब्द प्रेमी को फिलोलॉजिस्ट कहते हैं। लवर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र प्रेमी को डेमोक्रेट कहते हैं। लवर ऑफ वार, युद्ध प्रेमी वार मंगर कहलाता है। लवर ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स, शराब प्रेमी को ड्रंकर्ड कहते हैं। लवर ऑफ मनी, दौलत प्रेमी को मर्सनरी कहते हैं। लवर ऑफ मैनकाइंड, मानव प्रेमी फिलैंथ्रोपिस्ट कहलाता है। लवर ऑफ गुड फूड, स्वादिष्ट भोजन पसंद करने वाले को गॉरमेट कहते हैं। लवर ऑफ मीट, मांस पसंद करने वाले को, मांसभक्षी को कार्निवोर कहते हैं। तो इस कंटेंट में आपने लवर को देखा। एक बार फिर मैं इस कंटेंट को आपके बीच रखना चाहूंगा। बात जब द हिम ऑफ लव की है तो हम पुस्तक, शब्द, मानवता और दौलत को इग्नोर नहीं कर सकते। पुस्तक प्रेमी को, लवर ऑफ बुक को बिब्लियोफाइल, शब्द प्रेमी को फिलोलॉजिस्ट, दौलत प्रेमी को मर्सनरी, जबकि लवर ऑफ मैनकाइंड को फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। जिन्हें मदिरा पसंद है, लवर ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स, उन्हें ड्रंकर्ड कहते हैं। जिन्हें मांस पसंद है, लवर ऑफ मीट, उन्हें कार्निवोर कहते हैं। लवर ऑफ डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, उन्हें डेमोक्रेट कहते हैं। लवर ऑफ वार, जिन्हें युद्ध पसंद है, उन्हें वार मंगर कहते हैं। लवर ऑफ गुड फूड, जिन्हें टेस्टी फूड पसंद है, उन्हें गॉरमेट कहते हैं। तो उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आज की यह कंटेंट आपको पसंद आएगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं विदा चाहूंगा। नमस्कार।